بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سن 1434 کا محرم شروع ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کربلا کو 1400 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا اور بات صرف اتنی کرنی ہے اگرچہ میرا موضوع ان 10 مجالس میں اس ایک مجلس کو چھوڑ کے اور شام غریبہ کی مجلس کو چھوڑ کے ظہور امام زمانہ ہے لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور عزاداری کو سلام کرنا ہے اور اس سلام کے اعتبار سے کچھ باتیں عزاداری کے اعتبار سے فضیلت عزاداری کے اعتبار سے فضیلت عزادار کے اعتبار سے اور اس ذیل میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے صرف بلکہ دنیا نے عالم اسلام نے یعنی میں نے اپنی بات بھی کی ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں ہم نے واقعہ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھا صرف تاریخی واقعہ کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے ایک مکتب ہے ایسی درسگاہ ایسی یونیورسٹی ایسا مکتب کہ جس میں درس شرف و عزت حمایت علم و امامت وفاداری و شجاعت پابندی قوانین اسلام و انسانیت اور درس جہاد حقیقی یعنی وہ جہاد کہ اس جہاد کا ہمیشہ ہمیشہ سے تقاضا اسلام کا رہا جو حقیقی جہاد ہے یعنی مخالفت ہوائے نفس و شہوت حقیقت امر یہ ہے کہ اگر مسلمان
करबला का सही, इस दरसगाह का, इस मकतब का सही तालिब इल्म बन जाता तो आज वो सूरत हाल कि जो दिखाई दे रही है वो सूरत हाल ना दिखाई देती। अगर मुसलमान करबला का सही तालिब इल्म बन जाता तो बजाय गुलामी इस्तेमार के गुलाम हुर बनकर पूरी आजादी के साथ इस इस्तेबदाद की जंजीरों को तोड़कर अजमतों को परवान चढ़ाता और जिल्लतों को हमेशा के लिए बस्तियों में धकेल देता। लेकिन अजीजो करबला जहां एक दरसगाह है वहां एक फाजिया भी है, वहां पर एक मजलूमियत की वो जानसूज दास्तान है, वो जिगरसोज दास्तान है कि इसके बरपा होने से पहले ही रसूल ने करबला को याद कर करके कितनी मर्तबा गिरिया की। यानी अभी करबला नहीं हुई, अभी हुसैन शहीद नहीं हुए, अभी हुसैन दुनिया में आए हैं, ये वो बच्चा है कि जिसके आने पर खुशी भी मनाई गई, गम भी मनाया गया। और ये सुन्नत रसूल बनी कि हुसैन पर मरने के बाद, शहादत के बाद तो कुजा हुसैन तो वो है कि शहादत से पहले भी रसूल गिरिया कर रहे हैं। तो करबला वो मजलूमाना, वो मजलूमियत की दास्तान है कि जहां इल्म और इंसाफ के सर को कलम किया गया, जहां इंसानियत को नौ के नेजा पर बुलंद किया गया, जहां पर उस रसूल की बेटियों को कि जिस रसूल के सर पर जब कचरा डाला जाता था तो रसूल जाकर अयादत किया करते थे, उस रसूल आजम की बेटियों को शाम में सरों पर पत्थर बरसाए जाते। खुलासतन अगर कहा जाए, इंसानियत का कत्ले आम है करबला। करबला में अकदार का कत्ले आम हुआ है, करबला में इंसानियत का कत्ले आम हुआ है, करबला में वैल्यूज का कत्ले आम हुआ है। और बस यहां पर रुक के मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि देखिए ये 10 दिन बल्कि ये 2 महीने और चंद दिन जो अय्याम अदा कहलाते हैं, हमें इसे मनाना भी है और इसे अपनाना भी है। एक चीज है गम मनाना और एक चीज है गम अपनाना। गम मनाना और गम अपनाना, इंसान हर इबादत में उसका जाहिर होता है, उसका बातिन होता है। जाहिर इबादत नमाज आप देख लीजिए, उसका लिबास जाहिर के एतबार से वुजू सही हो, जाहिर के एतबार से जिस्म पाक हो, जाहिर के एतबार से क़िबला रुख हो, जाहिर के एतबार से जो जाहिरी शराइत हैं। लेकिन एक और चीज है अजीजों, और वो ये है कि नमाज की बातनी शराइत भी है। अहम तरीन शर्त जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बयान की वो ये है कि ये समझो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर तुम्हें ये करना न आ रहा हो तो कम से कम इतना समझ लो कि वो तो तुम्हें देख रहा है। तो ये शर्तें मानवी और कल्बी इबादत नमाज, जाहिरी शर्त लिबास, क़िबला, तहारत, वुजू, ये सारी चीजें बातनी शर्त। अच्छा, ये दोनों शराइत ऐसी हैं, जाहिरी शराइत और बातनी शराइत। अगर कोई ये कह दे कि मैंने जाहिरी शराइत को पूरा कर लिया, बातनी शर्त की कोई जरूरत नहीं है, बहुत तवज्जो रखिएगा, ये आजकल बहुत बहस चल रही है, बहुत माजरत के साथ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक लफ्ज कह रहा हूं कि बैन शरीयत और सूफियत के कुछ झगड़े हो रहे हैं। याद रखिएगा, नमाज और हर इबादत
ظاہری اعتبار سے اس کی شرائط ہیں, باطنی اعتبار سے کچھ شرائط ہیں. ظاہری شرائط جس کا تعلق ظاہر سے, باطنی شرائط جس کا تعلق قلب کی اور نفس کی طہارت سے, توجہ سے. اور یہ دونوں ہی شرطیں ضروری ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ظاہری شرائط کی ضرورت نہیں ہے, بس میرا قلب متوجہ ہو, چاہے وضو غلط ہو, چاہے نجس ہو جسم. یہ قلبی چیز یہاں کام نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے ظاہری اعتبار سے اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے بس لباس صحیح پہن لیا, پاک ہو گیا, وضو صحیح کر لیا, اب میں نماز پڑھنے کے دوران حساب کتاب جوڑ رہا ہوں, کس کا کتنا کمایا, کتنا نقصان اٹھایا. ایک مولانا صاحب جو تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے, لمبی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بھائی مولانا ذرا جلدی نماز پڑھا دیا کریں, بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. دو تین آدمیوں نے اور آ کے کہا. بےچارے مولانا پریشان ہو گئے کہ میں تو اتنی خوشو خوشو سے نماز پڑھاتا ہوں. انہی مجمع میں, انہی اقتدا کرنے والوں میں ایک آدمی اور آیا, کہا کہ قبلہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں لمبی لمبی, وہ لمبی لمبی نماز پڑھائے. کہا الحمدللہ ایک تو مسلمان پیدا ہوا. کہا چمیا یہ بتاؤ کہ سب کے برخلاف تم نے کیوں کہا کہ نماز لمبی پڑھاؤں؟ تو کہا بات یہ کہ میرا وقت بچ جاتا ہے. کہا وقت بچ جاتا ہے؟ کہا بات یہ کہ وہ حساب کتاب جو میں دکان میں نہیں کر پاتا, آپ کی نماز میں اتنے سکون کے ساتھ دن بھر کا میں حساب جوڑ لیتا ہوں. تو نماز کے اعتبار سے ایک آدمی یہ کہے کہ صرف اور صرف باطنی شرائط کافی ہیں, ظاہری شرائط کی ضرورت نہیں ہے, تو کافی ہے. جس طریقے سے میں نے کہا صوفیت اور شریعت کا جھگڑا, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بس دل پاک ہو, باقی ظاہر شریعت کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر شریعت ایک پھل کے چھلکے کی مانند ہے. توجہ رکھیے گا, یہ نقطہ بہت اہم ہے. ایک پھل کے چھلکے کی مانند ہے, چھلکا اتر گیا, اب آپ پھل کھائیے اور چھلکا پھینک دیجئے. شریعت چھلکے کی مانند ہے, اس لیے کہ شریعت کا مقصد ہے لقاء اللہ. جب آپ کو لقاء اللہ مل گئی تو اب آپ شریعت کی پابندیوں سے ہٹ گئے. اب چاہے ڈانس کیجئے, چاہے رقص کیجئے, چاہے کچھ الٹا سیدھا پیئے, کوئی نشاور چیز استعمال کیجئے, کیونکہ آپ کو لقاء اللہ ہو گئی ہے, خدا والے ہو گئے ہیں. لہذا آپ کو ظاہری شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لباس کیسا ہو, دیکھیے پورا ایک مکتبہ فکر ہے. میرا سوال صرف ان افراد سے یہ ہے, یہ بتائیے کیا آپ رسول خدا سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے؟ جب رسول خدا اس تمام پاکیزگی کے باوجود, اس تمام قرب خدا بندی کے باوجود شریعت کے تقاضوں کو ایک لمحے کے لیے, تو آپ کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم, اس لیے میں نے یہ بات کی کہ آج کل یہ فکر یہاں بھی آ گئی ہے کہ بھئی چلے گا, سب چلے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خیر چھوڑ دیجئے, میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو ایک ظاہری شرط, ایک باطنی شرط, نہ یہ چھوڑی جا سکتی ہے نہ وہ چھوڑی جا سکتی ہے. میں عبادت کے اعتبار سے عزاداری بھرا ہوں, اس لیے کہ عزاداری عبادت ہے. پہلے اس مثال سے اذہان کو متوجہ کیجئے, انشاءاللہ پھر نتیجے تک پہنچیں گے. ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اب نہ ظاہری شرط کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ باطنی شرط کو چھوڑا جا سکتا ہے, دونوں کا خیال کرنا پڑے گا. اگر صرف اور صرف لباس اور ظاہری شرط کو آپ نے سوچا اور اس کا خیال رکھا, باطنی اور قلبی شرط کا خیال اور لحاظ نہیں رکھا, دیکھیے اب یہاں پر یہ بات کام آئے گی آگے چل کر عزاداری کی مثال میں, تو پھر بہرحال آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز باطل نہیں ہے, لیکن یہ نماز کچھ کرے گی نہیں. جملہ کہہ رہا ہوں, نماز ہو جائے گی. دیکھیے نماز صحیح ہو جانا اور ہے, اور نماز کا نمازی کو چینج کرنا اور. بھائی سب مسلمان اس کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہی نہیں کرتے اس آیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی ظاہر آیت ہے کہ اس میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے کہ جس کی تفسیر کرنے کی ضرورت پڑے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز روکتی ہے کس سے؟ فحش اور بری چیزوں سے. اچھا, جب ایسا ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پہ بیہودہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. ابھی انشاءاللہ ظہور امام زمانہ کے اعتبار سے جب تقریریں آئیں گی تو مجمع مجھے پتا ہے کم ہوگا, اس لیے کہ ایسی باتیں سننے کے لیے کوئی نہیں آتا. بہرحال, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز دور کرتی ہے, بچاتی ہے. اب نماز ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز جیسی کوئی چیز تو ہے. میں آؤں گا زاداری پر. نماز جیسی کوئی چیز تو ہے لیکن روح ہے نماز, شرط قلبی نہیں ہے. داڑھی ہے, نجس پاک کا خیال ہے, وضو صحیح ہے, مسائل نماز ان سے زیادہ کسی اور کو نہیں پتا, لیکن نماز اثر نہیں دکھا رہی. کاروبار کی گدی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں, مسلح پہ آتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں. اس لیے شکل و صورت ایک ہو لیکن اندر والی چیز اگر اصلی نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. ایک اصلی دوائی ہوتی ہے, ایک جعلی دوائی ہوتی ہے. اصلی دوائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے مرض کو دور کرے گی, جعلی دوائی کیا کرے گی؟ دو تین مرض اور بھی لگا دے گی. اچھا, دونوں میں فرق نہیں ہوتا, ڈبا بھی وہی ہے, رنگ بھی وہی ہے, کمپنی کا نام بھی وہی ہے. اس کو پیو تو صحیح, اس کو پیو تو کچھ اور بیماریاں. اس لیے کہ وہ جعلی دوائی ہے. جعلی دوائی ہوتی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بالکل اصلی کی طرح ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جو اصلی قوام ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا. تو جو جعلی دوا ہوتی ہے, بہت معذرت کے ساتھ نماز کی توہین نہ ہو جائے, اسی طریقے سے جعلی نماز بھی ہوتی ہے. اور جعلی, کیونکہ میں بعض جملے اب آگے نہیں بیان کروں گا, مناسب نہیں ہے بیان کرنا, اس لیے کہ نماز ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, حساب کتاب میں دل لگا ہوا ہے, سب چیز یاد آ رہی ہے, دل بھاگا جا رہا ہے کب ختم ہو, کب بھاگوں اور جا کے ڈرامے کی آخری قسط دیکھوں. اب تو مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اتنا دل لگ گیا ہے ٹی وی سے کہ پہلے تو 2 مہینے 10 دن, 2 مہینے 8 دن تک مومنین دور رہتے تھے. اب ایسی ضرورت بنا دیا گیا ہے اس کو. خیر چھوڑ دیجئے, میڈیا پر مجھے پھر بعد میں بات کرنا ہوگی, آج کچھ اور باتیں کرنا ہے. پہلے دن میڈیا والوں کو کیوں ناراض کیا جائے؟ 5th کالم تو بہرحال بن ہی چکے ہیں, درود پڑھنے محمد والے محمد پر. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ دونوں شرائط ہونی چاہیے تو اثر ہوگا, ورنہ اثر نہیں ہوگا. عزاداری عبادت ہے. عزاداری کا بھی شرائط ظاہری ہیں, شرائط باطنی ہیں. جیسے وہاں پر شرائط ظاہری ہوں باطنی نہ ہو, اور جیسے وہاں پر صرف باطنی باطنی ہے ظاہری نہیں ہے. دونوں کی مثال دوں گا. صرف ظاہر ظاہر ہے, باطنی شرط نہیں ہے. صرف باطن باطن ہے, ظاہری شرط نہیں ہے. دوسرے والے کی مثال پہلے, صرف باطن باطن ہے, ظاہر نہیں. دل میں بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن فرش عزا پر آنے کی زحمت نہیں ہو رہی. کیوں بھائی؟ گھر میں ہمارے وہ کیبل لگی ہوئی ہے, ہمارے پاس سیڈیز پڑی ہوئی ہیں, گریا ہی کرنا ہے نا, رونا ہی ہے نا, تو کیوں زحمت کریں؟ گھر کے اندر سب کچھ آرام سے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, جب چاہے اٹھ کے چلے جائیں, پوز کر دیں. یہاں تو جو مولانا بولیں گے وہی, یہ مولانا پسند نہیں آئے دوسرے کی سی ڈی لگا دی. گریا ہی کرنا ہے نا, امام کا ذکر ہی سننا ہے نا, ہمیں محبت ہے, قلب میں بہت محبت ہے, لیکن کیا زحمت کی ضرورت ہے کہ فرش ادا پر آئیں؟ تو عزیزو, بات یہ ہے کہ گھر میں مجلس
सुनने का सवाब भी है, आंसू आ गए तो यकीनन सवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, इत्मीनान रखिएगा। घर में, गाड़ी में, कहीं पर भी अगर हुसैन का जिक्र आपने सुना, आंसू आ गए। नहीं, आपने कहीं पर किसी जगह पर, एक मोमिन जो होता है उसका एक मसला खास होता है कि जब वो किसी अजनबी जगह पर अहले बैत का नाम लगा हुआ देखे तो बाज़ औक़ात आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका भी सवाब है। लेकिन एक फजीलत है कि जिससे वो महरूम रहेगा, वो आदमी जो ड्राइंग रूम में बैठ के मजलिस सुन रहा है, हाँ अगर कोई मजबूरी है, बूढ़ा है, माजूर है, व्हील चेयर वाला आदमी है तो एक अलग मसला है, लेकिन हट्टा कट्टा है, हर जगह भागता दौड़ता है, लेकिन मजलिस के मौके पर उसे रेस्ट करना होता है, सवाब मिलेगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त फर्शे अज़ा बिछ जाता है उस वक्त फरिश्ते अपने पर बिछा के बैठ जाते हैं। ये कोई मैं फेरी टेल नहीं पढ़ रहा, रिवायात है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि देखो फर्शे अज़ा पर जब आओ तो अपने जूतों को नहीं लाओ फर्श पे। अब बहरहाल यूथ, हमारी यंग जनरेशन, नहीं समझ में आता क्यों इतनी बेचैन है। भाई मैं भी जवान था, आप भी जवान थे, हमारे जमाने में भी परेशानियां थी डिप्रेशन से, लेकिन डिप्रेशन को बाहर निकालने का तरीका यही मटकना, नाचना, शोर मचाना। क्या सहीफा सज्जादिया खत्म हो गया? बेहतरीन दवा है डिप्रेशन को खत्म करने की तिलावत कुरान, खुदा से राज़ो नियाज। ये एक नए तरीके निकले हैं कि बाहर, खैर छोड़ दीजिए, मुझे ये बातें तो करना है बाद में तफसील के साथ इंशाल्लाह, इसलिए कि मेरा मौजू ही ज़हूर इमाम और उसमें अलामात ज़हूर। तो अब ये एक मिसाल हो गई, और दूसरी मिसाल कौन सी वाली? पहली वाली कि जाहिर है बातिन नहीं है, शर्त जाहिरी है, सियाह लिबास भी है, फर्श अज़ा पे भी आ रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं, अज़ादार बन जाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो नमाजी बन गया ना, अज़ादार बन जाएंगे, लेकिन अभी तक गम मनाने वाले हैं, गम अपनाने वाले नहीं। गम अपनाने वाले उस वक्त बनेंगे कि जब इस जाहिरी शर्त के साथ के जो मातम भी है, स्याह लिबास भी है, जो गिरिया भी है, जो बहुत कुछ है, और जो सब शायरुल्लाह है, और जो सब खुदा के करीब ले जाने वाले हैं, बख्शिश का सामान है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये जाहिर जाहिर रहा, दिल को हुसैन के करीब नहीं किया, ये ना समझा कि इस हुसैन का वारिस इमाम, या ये तसव्वुर करो कि तुम उन्हें देख रहे हो, गालिब है ना रिवायत का, उसी गालिब में बात कर रहा हूं, और अगर इतना नहीं कर सकते तो इतना सोच लो कि वो इमाम मासूम तो तुम्हें देख रहा है। पांचवें इमाम हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, आपका एक सहाबी चाहने वाला दर्स दिया करता था, और दर्स भी कुरान का, एक खातून को दर्स दे रहा था, बहुत तवज्जो के साथ, ये बातें आएंगी, अभी तो सिर्फ इशारे कर रहा हूं, और दर्स देने के दौरान उसने कुछ मजाक की बात की, वो भी मुस्कुराई हंसी और ये भी मुस्कुराए हंसे, इमाम के पास आए, सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, का मौला नाराज हो, का खुदा से डरो, का मौला क्या मतलब, काश तुमने क्या किया, का मौला मैंने क्या किया, का आज उस मौके पर दर्स देने के दौरान उस नामहरम के साथ तुमने वो जो हंसी मजाक किया, क्या तुम्हें नहीं पता खुदा को और अहले बैत को किसी नामहरम के साथ हंसी मजाक पसंद नहीं है? आंखों में आंसू आ गए। मौला मैं तो वहां था, कहा जहां भी हो मशरिक और मगरिब में रहो, हमारी निगाहें तुम पर होती है। ये है शर्त कल्बी, ये है शर्त कल्बी, इंसान इस बात पर ईमान रखे कि इमाम देख रहा है, चाहे गुनाह का मौका हो, चाहे मुसीबत का मौका हो, हर मौके पर। और मुसीबत का मौका वो होता है कि याद रखिए, जब गुनाहों की बात करते हैं, मासियतों की बात करते हैं,
इत्मीनान रखिए, जब बात मुसीबत की आ जाए और इंसान घिर जाए दुश्मनों के अंदर, या वो तन्हा हो और उस मौके पर इमाम को पुकारे तो इमाम मदद के लिए आते हैं। फिर इमाम नहीं देखते ये दाढ़ी मूंढने वाला है या बेहिजाब है। तो हमें हुसैन को अजीजो सिर्फ मनाना नहीं है, अपनाना है, और अपनाने के लिए कम से कम जाहिरी शराइत भी पूरी करें। हम भी कुछ बातों पे आके रुक गए हैं, सियाह लिबास पहन लिया, मातम कर लिया, काफी है, सवाब है, लेकिन एक चीज है अजीज, उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। मनाना और अपनाना, अपनाना किस तरह होता है गम हुसैन को? रावी कहता है कि जब पहली मुहर्रम शुरू हो जाती थी तो फिर मैं अपने इमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखता था, और जब आशूर का दिन आता था तो मेरे इमाम की हालत ऐसी हो जाती थी। एक जाहिर का अंदाज है, दाइमन हुज्न की कैफियत। ये दिन जो शुरू हो गए हैं, रोज सोचिए कि इमाम, मेरा मौला, मेरा गरीब इमाम चल चुका है सफर पर, मैं आराम से बैठा हूं अपने घर वालों के साथ हूं, और हुसैन कभी मदीने से मक्का, कभी मक्के से करबला, मंजिलों पर मंजिलें तय कर रहा है मेरा मौला। इन 10 दिनों में हमें अपनी गिजा को सादा कर दीजिए भाई, बहुत माजरत के साथ, बुरा मत मानिएगा, मैं उस मतलब है या उस फिक्र रखने वालों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि आजादारी पर पैसा खर्च मत करो, नहीं, वो तो दिल खोल के खर्च कीजिए, लेकिन न्याज में मेरी गुजारिश है, दिल चाहता है ना मोमिनीन का, लेकिन याद रखिए जब हुसैन की न्याज हो तो सादी हो, बहुत ज्यादा पुरचर दिल बहुत चाहेगा आपका, इसलिए कि आप प्यार करने वाले हुसैन से, लेकिन हुसैन भूखा प्यासा शहीद हुआ। और आपको पता है ना इंशाल्लाह कि हम सबको खुदा वंदे आलम मिरारन व किरारा ज्यारत उतबात आलिया, खुसूसन ज्यारत इमाम हुसैन करबला अता फरमाए। आपको पता है ना हर इमाम की ज्यारत के लिए जब आप जाते हैं, मशहद जाते हैं, काजिमैन जाते हैं और दूसरे मकामात मुकद्दसा पे जाते हैं, तो आप एक आमाल में एक अमल अंजाम देते हैं, गुस्ल ज़ियारत, कि गुस्ल करो, नए लिबास पहनो, खुशबू लगाओ और फिर बावकार अंदाज में इमाम की बारगाह में जाकर अपना सलाम पेश करो। ये तरीका है ना, लेकिन इमाम हुसैन वो वाहिद इमाम है जिसके लिए मुस्तहब है कि जब तुम आओ तो जिस गर्द हो, गुबार हो, राह की जो मट्टी तुम्हारे सर पर है, जो तुम्हारा लिबास मैला हो चुका है, इसको धो मत, नहाओ मत, नया लिबास ना पहनो, इसी हालत में, मिस्कीनी की हालत में हुसैन के पास जाओ, इसलिए कि गरीबुल वतन है, इसलिए कि भूखा प्यासा शहीद किया गया है। एक अदब हुसैन का ही है। तो जब करबला और करबला में जाकर ये ताकीद है कि बहुत मुरग़न ग़िज़ाएं ना खाओ, चाहे नजफ जाकर, चाहे काजमैन जाकर, लेकिन जब करबला आ जाओ तो ग़िज़ा बहुत सादा, इसलिए कि हुसैन है सामने, इसलिए कि दोनों बाजू कटाए अब्बास लेटा हुआ। ये चीजें पैदा करनी चाहिए अजीजो, ये है वो कल्बी शराइत। हुसैन से अपने आप को करीब कीजिए। हुज़्न की कैफियत, बिला वजह आम जिंदगी में जो हम, बिला वजह नहीं कहूंगा, जो मिलते हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इसको कम कर दीजिए, हुसैन में गुम हो जाइए। और याद रखिए इमाम हुसैन पर, आका की मजलूमियत पर गिरिया करना, एक आंसू अगर आपका बह जाता है जिस पे आपको फोकस करना है, आपने दुआ करनी है इन 10 दिनों में कि खुदावंदा मुझे मेरी आंखों को तौफीक दे, एक मर्तबा तो सही इस तरह गिरिया करूं कि मेरी शहजादी फातिमा खुश हो जाए। ये गलत फिक्र आ रही है कि जरा एजुकेटेड अंदाज में रोया कीजिए, आवाज से ना रोएं। रावी बैठा हुआ था, इमाम ने फरमाया पढ़ने वाला मेरे जद की मुसीबत पढ़ रहा है, तू रोता क्यों नहीं है, रुमाल दिखाया मौला, रो तो रहा। कहा नहीं ऐसे नहीं रो। कहा मौला फिर किस तरह रो? कहा जिस तरह माँ जवां बेटे के मरने पर रोती है।
इस तरह गिरिया कर, रोना है, गिरिया करना, हुसैन के साथ रहना, हटा देना दुनिया को। इकोनॉमिक कुछ और कहती है, रिसेशन आ गया है, ये भी फ्रेंचाइजिंग कर लीजिए फला जगह वो कारोबार। और आली मोहम्मद क्या कहते हैं, आशूर के दिन अगर तुम अपनी दुनिया को छोड़ दो, हमारे हुसैन पर गिरिया करो, आशूर के दिन छोड़ दो अपना कारोबार, हत्ता इंटरनेट पर भी जो आपकी ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिए, कुछ ना कीजिए। जरूरी नहीं है दुकान में ना जाना और ये इंटरनेट पे चल रहा है, कुछ नहीं, कोई कारोबार का काम चाहे जितना बड़ा लॉस हो जाए, इमाम फरमाते हैं तुमने किया सारे साल तुम्हारे रिस्क में बरकत रहेगी, फरमानी रहेगी। कुछ अर्सा पहले मैं खैरपुर जाया करता था मोमिन की खिदमत के लिए, तो वहां बाकायदा आशूर के दिन जब कुएं खोदे जाते थे, इसलिए खोदे जाते थे कि आशूर को जो कुआं खोदा जाता है उस कुएं से मीठा पानी निकलता है। बार इन 10 दिनों में हुसैन से अपने आप को करीब करना, ये आंसू इनके लिए खुदा से दुआ करनी है, इसलिए कि ये बहुत कीमती हैं आंसू, इतने कीमती हैं कि रिवायत का जुमला है, ये आंसू वो है कि एक कतरा पूरी आतिश जहन्नम को बुझा दे। रिवायत पढ़ रहा हूं मैं, एक कतरा, एक कतरा। मजलिस में जो आप चल के आते हैं, हर हर कदम पर कितने गुनाह माफ होते हैं आपको अंदाजा नहीं है। मजलिस में चल के आना, चाहे गाड़ी में आ रहे हैं चाहे पैदल आ रहे हैं, हर हर कदम पर गुनाह माफ हो रहे हैं, आंसू पर कितने गुनाह माफ हो रहे हैं, रोने जैसी शक्ल बनाए, ये सारी चीजें। हुसैन के गम को अपनाना है चीजों, और बस मैं इख्तिताम करूं इस रिवायत पर और इसके साथ फिर रब्ते मसाइब करूं। इमाम फरमाते हैं इन्नल हुसैन लयंजुर इला वजहे मन बका ले। सुनिएगा इस रिवायत को पूरा सुनिएगा, जो करना है। मैं देखता हूं कि आजकल पाकिस्तान में एक सिलसिला चला है मोमिनीन में, कुछ अरसा से मैं इसको नोट कर रहा था और जहां मुझे तौफीक मिलती है मैं बयान करता हूं। अब ये गलत फहमी है कि आशूर के दिन अपने मरहूमीन के कब्रों की ज्यारत के लिए जाते हैं, है कि नहीं? होता है ना, मोमिनीन भी जाते हैं गालिबन, अगर नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कभी कोई कह दे कि आशूर के दिन कब्रों की ज्यारत के लिए जाइए अपने मोमिनीन की मरहूमीन की, तो मैं उसके लिए एडवांस में कह रहा हूँ भाई, वैक्सीनेशन भी तो कोई चीज होती है ना, वैक्सीनेशन भी तो एक चीज होती है ना, कि इससे पहले के कुछ हो आप पहले से ही वैक्सीनेट कर दें, पहले ही से आमादा कर दें। इसलिए कि मैंने खुद देखा है भाई जी। खैर अब छोड़ दीजिए, जरे मेंबर बातें ना करें। कहने का मतलब ये है कि गलत कॉन्सेप्ट है नहीं मालूम किस लिए, लेकिन नीयत तो बुरी नहीं है ना, कुछ जहन में बिठा दिया है कि साहब आशूर के दिन मरहूमीन के अपने कब्रों की जियारत के लिए कब्रिस्तानों में जाओ, नहीं ये भी ना कीजिए। सिर्फ हुसैन, सिर्फ मातम और सिर्फ आजादारी। और अगर मरहूमीन का बहुत ख्याल आ रहा है, याद रखिए मरहूमीन भी वहां आपको ये कह रहे होंगे भाई क्या गलती कर रहे हो, हमें सवाब देना है, फातिहा ना पढ़ो, जाओ जाके मातम करो, एक सीने पर हाथ मारने का सवाब दे दो। एक मर्तबा जो तुम सीने पर हाथ, ये नेमत तुम्हें खुदा ने दी हुई है, जाओ जाके मातम करो, जाओ जाके हुसैन पे गिरिया करो और उसका सवाब हमें दे दो, हमारी खबरों पे आने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये रिवायत पूरी कर दो, इन्नल हुसैन लयंदुर इला वजहे मन बका अले। इमाम फरमाते हैं कि मेरा जद हुसैन जरूर उसके चेहरे की जानिब देखता है कि जो उस पर उसके मसाइब को याद करके रोता है। और फिर जुमला क्या है सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा इंशाल्लाह। वस्तग़फिर लह, और फिर आका हुसैन, बल्कि जुमला यह है, सुम्मा दा, उसके हक में दुआ करता है। ओहो
नहीं, दुआ छोड़ दीजिए, हुसैन देखता है, ये काफी नहीं है। एक नजर हुसैन बदल देगी जिंदगी, तकदीरें बदलनी है इस फर्श अज़ा पे आके बैठे। लयंदुर इला वजहे मन बका अलै सुम्मदा, और उसके बाद हुसैन दोनों हाथ उठा के दुआ करता है। क्या दुआ पढ़ते हैं मौला? परवरदिगारा ये मेरा चाहने वाला मेरी मुसीबत पर रो रहा है, और फिर जुमला आता है वस्तग़फिरला, फिर आका हुसैन आपकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। नहीं, रिवायत खत्म नहीं हुई भाई। और फिर हुसैन मुतवज्जे होते हैं अपने जद रसूल की जानिब, अपने बाबा अली की जानिब, या रसूल अल्लाह ऐ मेरे जद, ये मेरा चाहने वाला, मेरे बाबा अली ये मेरा चाहने वाला, मैं दुआ कर रहा हूं, अभी दुआ कीजिए। ये है आजादारी, हुसैन को अपनाना, और इस तरीके से अपनाना कि आजादारी आपकी जिंदगी पर इस तरीके से असर करे कि आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके शहर वाले इस तरह से उनके हुकूक को आप अदा करें, इस तरह से मोहब्बत के साथ उनके साथ रहें कि वो ये कहें कि वाकई ये है हुसैन वाला, ये है करबला वाला। किसी को अजियत, किसी को जहमत, किसी को परेशानी देने का सबब ना बने। बस अजीजों, फजाइल आज़ादारी बहुत हैं, फजीलत आज़ादारी बहुत है। मुझे मौका मिलता रहा, मैं इंशाल्लाह अगर तौफीक रही तो मैं एक दो जुमले कहता रहूँगा, वक्त अगर मेरे पास रहे, इसलिए वक्त मेरे पास कम है। सोचिए वो मंजर क्या होगा कि जब आका हुसैन रात को दारुल अमारा से पलट कर आए और जैनब से ये कहे, बहन जैनब मदीना रहने के काबिल है, और फिर उसके बाद रवानगी की तैयारियां शुरू हों इस अंदाज में कि हुसैन चलकर अपने नाना की कब्र पे जाएं। रिवायत कहती है आका हुसैन कब्र रसूल के सरहाने बैठ गए, और उसके बाद एक जुमला का, सल्लल्लाहु अलैका या जद्दा, मेरे नाना आप पर खुदा का दुरूद व सलाम हो। और फिर क्या कहा, अनल हुसैन इब्ने फातिमा, मैं आपकी फातिमा का बेटा हुसैन हूं। अब कहा, नाना आपने उस उम्मत के दरमियान मुझे तन्हा अपनी निशानी बनाकर छोड़ा था, आज आपकी उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। और फिर उसके बाद इमाम हुसैन रोते हैं, गिरिया करते हैं, इतना गिरिया किया कि एक मरतबा आंख लग गई, और इसी आलम ख्वाब में आका हुसैन ने देखा कि रसूल खुदा आ रहे हैं, दाहने बाहने तरफ फरिश्तों की एक फौज है, और इस जलालत के साथ के फरिश्ते बादब खड़े हो गए, अब रसूल खुदा आते हैं और एक मरतबा हुसैन को सीने से लगाते हैं, हुसैन की दोनों आंखों के दरमियान बोसा देते हैं। इमाम हुसैन रोते जाते हैं, जुमला कहते हैं, सुनोगे जुमला हुसैन का, नाना मुझे अपने साथ ले जाइए, हुसैन को अब दुनिया में नहीं जाना, हुसैन अब दुनिया में जाना नहीं चाहता, नाना मुझे अपने साथ ले जाइए। रसूल रोके कहते हैं, शाअल्लाह यरा का कतीला, बेटा हुसैन खुदा की मर्जी ये है कि तुझे तेरे खून में नहाता हुआ देखे, इसलिए कि जो दर्जात खुदा ने तेरे लिए महफूज रखे हैं वो शहादत के बगैर ना मिलेंगे। बस वजादार, एक मरतबा हुसैन की आंख खुली, बनी हाशिम को ख्वाब सुनाया, बनी हाशिम ने गिरिया किया, आका हुसैन ने सब्र की ताकीद की, रो के कहा बनी हाशिम ने, क्यों ना रोएं, इसलिए कि वो वक्त ताज़ा हो गया कि जब रसूल हमारे दरमियान से चले गए थे, वो वक्त ताज़ा हो गया कि जिस वक्त फातिमा, जिस वक्त अली, जिस वक्त हसन इस दुनिया से गए थे, और बस अब रुख्सत की तैयारियां हैं।
इब्तदाए शब में हुसैन नाना की कब्र पे गए और जिस वक्त रात आधी हो गई तो हुसैन एक मर्तबा मामा उतार के अपनी माँ की कब्र पे गए। क्या राजो न्याज हुए मुझे मालूम नहीं, लेकिन अरबाब मिंबर इतना बताते हैं ऐसे जाके लिपटे जिस तरीके से कोई बेचैन बच्चा अपनी अम्मा की आगोश में जाकर लिपटता। भैया हसन से रुख्सत हुए और जब चले हैं मदीना छोड़ने वाले हैं, दो मंजर बयान करने हैं। एक मर्तबा जनाबे उम्मे हानी आए, उम्मे हानी को जानते हैं ना कौन है, अली की बहन। अजीब जुमला कहा है उम्मे हानी ने, ये नहीं कहा तुम हुसैन जा रहे हो, कहा भैया, कहा बेटा हुसैन मैंने सुना है कि सरपरस्तों के बेवाओं और यतीमों का सरपरस्त हुसैन उन्हें छोड़ के जा रहा है। और जब सुना कि हुसैन जा रहे हैं तो सुनना चाहते हो उम्मे हानी ने क्या कहा? उम्मे हानी ने कहा मुझे आज अबू तालिब बहुत याद आ रहा है, आज मुझे अपना बाबा अबू तालिब बहुत याद आ रहा है। और उसके बाद जब सवारियां चली हैं जनाबे अब्बास आए हैं, कहा मौला कुछ देर के लिए रुक जाइए। कहा क्या बात है? कहा कोई बीबी मिलना चाहती है। पलट के पहुंचे देखा बूढ़ी उम्मे सलमा, बेटा तुझे रोकने नहीं आई, तुझे रोकने नहीं आई, फकत इतना कहना चाहती हूँ जहां मर्जी जा इराक ना जाना, इसलिए तेरा नाना कुछ कह के गया है। खबर रोके कहा अम्मा उम्मे सलमा मुझे ये भी पता है किस दिन कत्ल किया जाऊंगा, मुझे ये भी पता है कहां कत्ल किया जाऊंगा, मुझे उसका नाम भी पता है जो मेरा गला काटेगा। दो अंगुश्त बुलंद की, कहा उम्मे सलमा अम्मा देखिए इसके अंदर क्या। जनाब उम्मे सलमा ने निगाह की, जमीन की तनाबे खींची, कुछ मंजर सामने आए, एक रेगिस्तान सामने आया। कहा बेटा ये कैसा रेगिस्तान है, जब से ये सामने आया है मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या अम्मा ये वही कर्बला है जिसका तस्करा मेरे जज ने किया था। और फिर उसके बाद मंजर बदला, एक नशे में पहुंचा मंजर। उम्मे सलमा ने कहा बेटा ताब नहीं रही देखने की, बस इस मंजर को हटा दे मेरा दिल खत्म हो रहा है। कहा ये मकाम है कि जहां पर कातिल मेरे सूखे गले पर खंजर चलाएगा। मैं कहूंगा उम्मे सलमा अभी आपने सिर्फ वो जगह देखी है, वो गोदाल देखा है जहां पर जालिम हुसैन के सीने पे बैठेगा। आप बर्दाश्त ना कर सकी, मेरा सलाम हो शहजादी फातिमा पर, दोनों हाथों को फैला कर शेम मेरे हुसैन ने तेरा क्या लिया। अजरुकमन अल्लाह, बस खत्म कर लो, खत्म कर लो। और फिर हुसैन मदीने से पहुंचे करबला, मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं। सवारी को बदला, सिर्फ एक नुक्ता कहना चाहता हूं, ये जो कहा जाता है ना खत लिख के बुलाया गया, दुरुस्त कर ले तारीख। आका हुसैन को जितने खत पहुंचे मदीने में नहीं पहुंचे, जब मदीने को छोड़ चुके सबसे पहला खत कूफे से जो आया है वो मक्के में आया है। ऐसा नहीं है कि हुसैन को किसी ने धोखा दिया, इसलिए कि हुसैन ने पहले बता दिया मुझे वो जगह भी पता है, वो दिन भी पता है, कातिल का भी पता है, मुझे पता है रसूल बता गए इंशाअल्लाह यरा का कतीला। और फिर सवारी का बदलना बार बार, और फिर लोगों से पूछना अब्बास जाके पूछो इस जगह को क्या कहते हैं। कोई शत्तुल फराद कहता है का कोई और नाम होगा, कोई नैनवा कहता है का कोई और नाम होगा। यहां तक एक बूढ़ा मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, कहता है कि फरदंदे रसूल इसे कर्बला भी कहते हैं। बस एक मरतबा कर्बला का नाम सुना, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। हुसैन ने खैमे गाड़ने का हुक्म दिया, आपने मरसी में सुना जनाबे ज़ैनब कहती है भैया हुसैन ये कहां रुकने का इरादा कर लिया था? क्यों? इसलिए कि जब से आई हूं किसी बीवी के रोने की आवाज कानों में आ रही है। बहन ज़ैनब तुमने पहचाना नहीं है, किसी और की आवाज नहीं है, ये अम्मा फातिमा है जो तुम्हारा मातम भी कर रही है, जो मेरा तजरुकमन अल्लाह। बस मैं मसाइल खत्म कर रहा हूं। और फिर आप जानते ना हुसैन की मजलूमियत,
मैं मजबूरी नहीं कहूंगा, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन बेबस नहीं है, ठोकर मार देता ना, मौका मिलेगा रिवायत पढ़ूंगा। कितने लश्कर थे, जाफर जिन ने कहा था कि हमें 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद नौबत मिली है कि आओ अब तुम आके बारगाह हुसैनी में अपनी रिक्वेस्ट पेश करो, इसलिए कि उसका कहना है मुझसे पहले कितने फरिश्ते, मुझसे पहले कितने अंबिया, और फिर कहीं जाके हमारी बारी आई कि मौला हमें मदद के लिए। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन ने सब्र का इम्तिहान नहीं दिया, हुसैन ने कुदरत का इम्तिहान दिया है, और सिर्फ हुसैन ने नहीं 4 बरस की सकीना ने। सकीना की दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है, अलम के साथ आज भी मशकीजा सकीना इस बात का जामिन है तुम्हारी हाजात मुरादें पूरी होंगी। तो याद रखो अगर अब्बास के अलम का बुरैरा है तो सकीना का वो मुरादों वाला मशकीजा, तो सकीना ये सब औलिया खुदा हैं, बड़े कुव्वत वाले हैं, बड़े इख्तदार वाले हैं, लेकिन ये है सब्र, ये है कुदरत का इम्तिहान। और फिर हुसैन की का इम्तिहान, अब्बास जाओ जाके बनी असद के लोगों को बुलाओ, मौला क्या हुक्म है? का देखो यजीदी जब चले जाएं तो हमारे बेगोरों कफन जनाजे पड़े होंगे, लाशें पड़े होंगे, कोई मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आप यहां अपने शहर में कभी अपने पड़ोसियों को ये कहेंगे कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लाशों को दफना देना? वो कहेगा भाई जरूरत क्या है कहने की, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें बताने की जरूरत क्या है, आपने हमारी तौहीन की है। लेकिन उधर हुसैन क्या कह रहे हैं, जब ये चले जाए तो आके दफना देना। क्यों? इसलिए कि रिवायत में आया है एक जुमला के हुसैन को गोसफंद की तरह जिबा किया गया। आज पूरी तशरीह नहीं करूंगा, उलमा ने तशरीह की है कि ये तशबीह क्यों दी है कि हुसैन को गोसफंद की तरह जिबा किया गया, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहा जाता है इसकी वजह यह है, आशूर की मजलिस में इंशाल्लाह वो मंजर बयान करूंगा, इसकी वजह यह है कि जब गोसफंद को जिबा किया जाता है, किसी बकरे को किसी दुम्बे को जिबा किया जाता है, तो कोई उस पर रहम नहीं खा रहा होता, बेताल्लुक लोग पड़े होते हैं, खड़े होते हैं और उसको जिबा करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ बच्चे और औरतें उसके ऊपर तरस खा रही होती हैं। आका हुसैन को जिस वक्त जिबा किया गया है, अल्लाह अल्लाह, इस तरह से खड़े थे कि सैयद सज्जाद फरमाते हैं वो अपने लाशों को इस तरह दफना रहे थे और हमारे बनी हाशिम के शोहदा के लाशों को इस तरह छोड़ दिया था कि जैसे वो कोई यहूदी हो, कोई मुश्रिक हो, मुसलमान ना हो। सैयद सज्जाद के जुमले, इमाम ने फरमाया कि ऐ बनी असद के लोगों 3 दिन के बाद, बल्कि जुमला ये है कि जिस वक्त यजीदी चले जाए तो हमारे लाशों को दफना देना, भला ये यमना रसूल चले। अब्बास बनी असद की औरतों को बुलाना, पर्दे में औरतें आई, मौला हम कनीजों को कैसे याद किया? कहा देखो अगर तुम्हारे शौहर डर जाए तो जब तुम शाम को पानी भरने तो आती हो, जब पानी भरने आना तो पानी भरने से पहले एक काम कर देना। हाय हुसैन की मसलों, हमारे बेगोरों कफन लाशों को दफना, भला अपना रसूलुल्लाह। अच्छा हुसैन का दिल अभी मुतमइन नहीं हुआ, कहा अब्बास जाओ जरा देख कर आना, ढूंढ के तलाश करके बनी असद के जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनको लेकर आओ, छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर, किस्मत जागी है ना, बच्चों को पूछता कौन है? आज हुसैन पर वो मजलूमियत है। बच्चों को बुलाया, नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर हुसैन के गिर खेड़ा दार खड़े हो गए, अपना रसूलुल्लाह हमें कैसे याद किया, हम गुलामों को कैसे याद किया? का बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए तो जब तुम खेलने के लिए आओ तो खेल खेल में हमारे बेगोरों कफन लाशों पर मिट्टी उछाल देना, दफनाने की जहमत नहीं दिया है। जानते हैं छोटे बच्चे हैं नहीं दफना पाएंगे, बस खाक उछाल देना।
मगर मैं कहूंगा मौला आपकी वसीयत पर अमल कब हुआ। मैं खत्म कर रहा हूँ अजीजों, बस अजरक मन अल्लाह खत्म कर रहा हूँ मैं बयान को। मौला आपकी वसीयत पर अमल कब हुआ? अमल उस वक्त हुआ कि जब बनी असद के लोगों ने कहा कि भाई 3 दिन हो गए, कुछ तो शर्म हया होती है, फातिमा का लाल वहां पड़ा हुआ है, हम यहाँ घर में बैठे खाना खाए सोए उठे 3 दिन से हमारे करीब, अरे बस हद हो गई, यजीदी चले गए, चलो दफनाने का सामान उठाया, शोहदा के किनारे पहुंचे, दफनाने के अजम से आए थे लेकिन रुक गए, इसलिए कि एक परेशानी ये खड़ी हो गई, दफनाएं तो कैसे दफनाएं, इसलिए कि लाश की शनाख्त या चेहरे से होती है या वो मजलूम है जिनके सरों को काट दिया गया है, बड़े तो बड़े 6 माह का बच्चा उसका भी सर नहीं है, और अगर सर ना हो तो कम से कम लिबास से पहचान हो जाती है। मैं क्या कहूं, मैं जुमला मुकम्मल नहीं करूंगा, बस एक मर्तबा घबरा के खड़े हुए हैं, परेशान है, हैरान है, करे तो क्या करे कि एक मर्तबा क्या देखते हैं, एक जानिब से कूफे की सबसे गर्दो गुबार उठ रही है और एक सवार है, पूरी जिम्मेदारी से रिवायत कर, इमाम ने एक बाद वाले इमाम ने इस रिवायत से इस्तदलाल किया है, जब 7वें इमाम सिंधी इब्ने शाहिक के कैद खाने से बाहर निकल कर आ गए थे तो एक मर्तबा किसी ने घबरा के पूछा था, मौला ये कैसे हो गया? कहा जिस तरीके से सज्जाद वो इमाम थे, मैं अपने जमाने का इमाम, वो इम्तिहान है खुदा का कि जो इस कैद खाने में बैठा हो। बस एक मर्तबा क्या देखा, एक नौजवान है 24-25 बरस का सिंह है, लेकिन जवानी में लगता है इतनी मुसीबतें आई है कि बूढ़ा हो गया। आने वाले ने कहा कि ठहर जाओ, परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताऊंगा इनमें का हुसैन कौन है, इनमें का अकबर कौन है। पूछा आप कौन है? कहा ना अली इब्न हुसैन, मैं इसी हुसैन का बेटा अली। एहतराम में सलाम किया, मौला नीचे आए, और उसके बाद जब बनी असद के लोग पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं कि मौला के साथ चलें और दफनाने का इंतजाम करें, तो एक मर्तबा इमाम ने कहा कि तुम लोग पीछे रह जाओ, आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मत आओ, मेरे साथ मत चलो, इसलिए कि मेरे साथ वो फरिश्ते मौजूद हैं जो मेरी मदद के लिए आ गए हैं। रोक दिया बनी असद के लोगों को, और उसके बाद कुछ खाक हटाई, पहले से एक कब्र तैयार, कब्र में अपने बाबा को लिटाया। लिटाने के बाद अब बस एक दो जुमले में कहूंगा, मैं आपकी जहमतों को खत्म कर रहा हूं। कब्र में जब लिटाया जाता है ना, तो एक खाक का तकिया बनाया जाता है, उस पर रुखसार रखा जाता है, ये वो मजलूम लाशा है कि जिसका रुखसार नहीं है। और उसके बाद कब्र से बेताब होके निकले बाहर, बनी असद के लोग कहते हैं कि कब्र से बेताब होके निकले, हमने देखा और हमने सोचा कि ये कहाँ जा रहे हैं, कि एक मर्तबा ऐसा लगा कि कुछ तलाश कर रहे हैं, हमने सोचा कि ये क्या तलाश कर रहे हैं, और उसके बाद जब वापस पलटे तो अबा के दामन में कोई चीज थी जो छुपा कर लाए थे। और फिर जो हमने सवाल किया और अबा को जो हटाया, तो हमने देखा एक छोटे से बच्चे का लाशा, का मेरे बाबा ने वसीयत की थी रोजे आशूर बेटा सज्जाद जब मुझे दफन करना तो मेरे पहलू में मेरे साथ मेरे नन्हे असगर को लिटा देना। मैं कहूंगा आका असगर को सीने से लिटा लिया, असगर तो चैन की नींद सो गया, लेकिन मैं क्या करूं, वो 4 बरस की बच्ची से, वो 4 बरस की बच्ची सकीना, अजरुकुमरल्ला असगर को लिटाया, आका हुसैन की कब्र तामीर की, और फिर आका हुसैन के पाइंती में अली अकबर की कब्र को सजाया। इसकी वजह शायद ये हो पाइंती में दफन करने की, कि अगर कोई जाए हुसैन से कुछ मांगे और हुसैन ना दे रहा हो, तो जब कोई कुछ नहीं देता तो इंसान कदमों में जाता है,
तो जाहिर कदमों में जाएगा, फिर कदमों में नहीं जाएगा, अली अकबर का वास्ता देगा। आका हुसैन, अगर मेरी गलती है, मैं आपको आपके जिगर गोशी का वास्ता देता हूं। बस मैं खत्म कर रहा हूं। और उसके बाद गंजे शहीदा को तामीर किया, शहदा को दफन किया। जब सब शहदा दफन हो गए, आका हुसैन दफन हो गए, बनी असद के लोग आए, फर्जंद रसूल हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा कर दिया ना, कहा नहीं ठहर जाओ, अभी एक लाशा और है। और ये कह के आका सज्जाद तराई की तरफ गए और वहां जाने से पहले एक हाथ उठाया कटा हुआ, कुछ दूर आगे बढ़े, दूसरा हाथ उठाया और उसके बाद कब्र खोदी। कब्र में आका अब्बास के लाशे को दफनाया। और जिस वक्त आका अब्बास के लाशे को दफनाया, बनी असद कहते हैं कि हमको दूर कर दिया और कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ कुछ देर के लिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, कुछ देर के लिए मुझे अब्बास के साथ तन्हा छोड़ दो। बनी असद कहते हैं कि हम दूर हट गए, लेकिन काफी देर हो गई, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, सज्जाद कब्रे अब्बास से बरामद नहीं हुए, यहां तक कि हमें खौफ हुआ ऐसा ना हो कि शिद्दत गम से सज्जाद इस दुनिया से चले गए। बस हम घबरा के कब्र के करीब पहुंचे, कब्र में जो झांक के देखा, एक अजीब मंजर दिखाई दिया, हमने देखा सज्जाद ने अब्बास के लाशे को सीने से लगाया हुआ है, रो के एक जुमला कर रहे हैं, चचा अब्बास मैं कूफे से आ रहा हूं, चचा अब्बास ज़ैनब की चादर लुट गई, सकीना के तमाचे लगे। يا رب الحسين بحق الحسين وارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का। परवरदिगारा जहाँ जहाँ आज़ादारियाँ हो रही हैं, परवरदिगारा इन तमाम आज़ादारियों को अपनी हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख। खुदावंदा दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन आबाद हैं, उनके जान माल नामूस की हिफाजत फरमा। खुदावंदा मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक़ की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा सरजमीन मुक़द्दस पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, परवरदिगारा उन तमाम साजिश करने वालों को नीस व नाबूद व बर्बाद व हिलाक फरमा। और खुदावंदा हर शहर में पाकिस्तान के अमन व क़ुव्वत चैन व आतशी का सर व सामान मुहैया फरमा। खुदावंदा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।